आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के पैकेज 8 में सुरंग निर्माण में सफलता मिली, इंजीनियरों में खुशी। रेलवे की ITBP के समीप से भटनगर तक की 2.7 किलोमीटर टनल आर पार कर ली गई। रेलवे के अधिकारियों और कार्यदायी कंपनी मेगा इंजीनियरों के इंजीनियरों ने इस सफलता पर खुशी जाहिर की है। जवाड़ी बाईपास के पास वाहन खाई में गिरा, मौके पर पहुंची SDRF, 4 युवकों का किया रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग में एक कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर नीचे खाई में गिर गई, हादसे में 4 युवक घायल हो गए। RO और ARO मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, इस दिन होगा एग्जाम। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों के आंदोलन के बाद फैसला, उत्तराखंड के विश्वविद्यालय और संबद्ध संस्थानों में 25 अक्टूबर को होंगे छात्र संघ चुनाव। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी सितंबर के आखिरी सप्ताह में पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव संपन्न करा लिए जाने की बात कही थी, लेकिन अक्टूबर शुरू होने के बाद भी चुनाव की तिथि घोषित नहीं होने से छात्रों में रोष पनप रहा था। 2 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट, मुखुआ में विराजमान होगी डोली। 2 नवंबर को विधि विधान से गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 2 नवंबर को 12:14 पर अभिजीत मुहूर्त में बंद कर दिए जाएंगे। गंगा की विग्रह डोली गंगोत्री से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम मार्कंडेय मंदिर में करेगी। 5 युवाओं ने माधवेश्वर घाटी में खोजा 78 किलोमीटर लंबा ट्रैकिंग रूट, डिजिटल मैप किया तैयार। सीएम धामी ने पत्नी संग किया कन्या पूजन, तस्वीरों में देखिए कैसे सज धज कर पधारी नन्ही देवियां। शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर माता दुर्गा के आखिरी स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा करने का विधान होता है और महाअष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हुए मां की विदाई होती है। शुक्रवार को घरों और मंदिरों में कन्या पूजन किया गया। देहरादून में दिल्ली से आए रावण इस बार घट गया कद, बड़ी हो गई लंका। देहरादून में बनो बिरादरी दशहरा कमेटी के बाल युवा संघ की ओर से इस बार परेड ग्राउंड के खेल मैदान में रावण दहन किया जाएगा। इस बार रावण का कद घट गया है जबकि लंका बड़ी हो गई है। पिछली बार परेड ग्राउंड में 131 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया था। अल्मोड़ा में बाइक से गांजा की तस्करी, 11 किलो से ज्यादा गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, 2 आरोपी चकमा देकर फरार। पिथौरागढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। पिथौरागढ़ में मजदूरी करने वाले युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जिसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई। चंपावत में घटोत्कच महोत्सव की धूम, स्टार नाइट में कलाकारों ने बिखेरा जलवा, घंटों झूमते रहे दर्शक। स्टार नाइट में पवनदीप राजन गजेंद्र राणा ने किया परफॉर्मेंस, पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम की रही धूम। सेब महोत्सव में छाए हर्षल घाटी के रसीले सेब, स्वाद के कयाद हुए लोग। देहरादून में सेब महोत्सव आयोजित हुआ, इसी बीच हर्षल घाटी के ए ग्रेड रॉयल डिलीशियस और गोल्डन डिलीशियस सेब को लोगों ने खूब खरीदा। श्रीनगर नगर निगम में 90 पद खाली, 3 साल बाद भी नहीं भरे गए, पटरी से उतरी व्यवस्थाएं। श्रीनगर नगर निगम में कर्मचारियों का अभाव है जिससे लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। नगर निगम में कुल 90 पद खाली हैं। हरियाणा से पुलिस के हाथ लगी 2 शातिर ठग, ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम पर लोगों को लगाते थे चूना। ऋषिकेश में ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम पर चूना लगाने वाले 2 ठगों को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हरिद्वार जिले के लक्सर में सड़क हादसे में दो युवक की जान, परिजनों ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ दर्ज कराया केस।
देहरादून में यातायात व्यवस्था दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी। ऋषिकेश में भी की गई खास व्यवस्थाएं। दशहरे के दिन ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दून पुलिस ने कमर कस ली है। देहरादून में दशहरा कार्यक्रम को देखते हुए परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी प्रकार के वाहनों के लिए जीरो जोन रहेगा। वहीं ऋषिकेश में भी दशहरा को लेकर एसपी देहात लोकजीत सिंह ने पुलिस अधिकारियों और रामलीला कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें व्यवस्थाओं को लेकर विचार विमर्श करने के बाद ट्रैफिक प्लान लागू करने का निर्णय लिया गया। सवारियों की आड़ में ड्राइवर और कंडक्टर कर रहे थे चरस की तस्करी, पुलिस ने धरा। विकास नगर में ड्राइवर और कंडक्टर को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद चरस की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। शारदा वन रेंज से शिकारी गिरफ्तार, कांकर का शिकार करने का आरोप, 3 साथी हो गए फरार। टनकपुर शारदा वन रेंज में चीतल का शिकार वन विभाग की टीम ने शिकारी को किया अरेस्ट। टनकपुर शारदा वन रेंज के वन कर्मियों ने नंदो वन्य जीव अभ्यारण्य से लगे जंगल में हिरण की प्रजाति कांगड़ के शिकार का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने एक शिकारी को मौके से गिरफ्तार किया है, वहीं 3 अन्य शिकारी भागने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद टनकपुर शारदा वन रेंज में भी अधिकारी अलर्ट हो गए हैं और जंगल में गश्त बढ़ा दी।